नरक से घर बनाने के बाद मैं रूमी आप सभी का स्वागत करता हूँ माइनक्राफ्ट के एक और न्यू वीडियो में। और ये भाई तू छोटू यार क्या कर रहा है, हाथ में ये क्या लिया है तूने? तो गाइस ये मैंने तो बताया था अल्टीमेट है, लेकिन यहाँ तो अंदर घूमे जा रहे सारे जानवर, एक बार बाहर भी चल के देख लेते। भाई 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 ये क्या ही हो गया यार, ये कौन घुस गया अंदर? मुझे ये सारी चीजें ना नरक में की लाल लाल देख के मैं परेशान हो चुका हूँ गाइस। मुझे जाना है अपने ओवर वर्ल्ड में, मुझे अपने पेट्स। भाई 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 इसको देखो, अरे क्यों लगने रहा है तेरी भैंस की? मर गया ओके गया, ये तो गया ओके, कुछ ड्रॉप भी किया। तो गाइस मैं जा रहा हूँ सीधा अपने, अरे यार ये कैसा अल्टीमेट बेस बनाया मैंने, यहाँ तो जानवर आराम से घूमे जा रहे हैं। तो भाई यार अभी खत्म हो गया लग रहा है मेरे को तो। अभी इसको स्वॉर्ड से अभी के लिए इसको छोड़ देते गाइस, सीधा चलते। ओके मेरी इन्वेंटरी फुल है, क्या क्या ड्रॉप करूँ यार मैं इसमें से? चलो ठीक है एक बार अंदर चल देते। तो गाइस मैं जा रहा हूँ सीधा अपने ओवर वर्ल्ड में, और ये छुटकू यहाँ क्या कर रहा है मेरे को सही में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा खाना यहाँ पे रख देता हूँ, और वो जो उसने ड्रॉप किया है एरो उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। ओ भाई 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 चलो आ गया चाय से। तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ सीधा अपने ओवर वर्ल्ड में, और वहां चल के आपसे बात करता हूँ मैं। ऑल राइट गाइज मैं आ चुका अपने ओवर वर्ल्ड में, और मेरे दिल को जो सुकून मिला है ना ये हरियाली और ये ट्रीज वगैरह को देख के तो मजा ही आ गया गाइज। तो मैंने क्या सोचा है गाइज, ओ यार यहाँ पे भी अंधेरा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो सीधा चल देते पहले नीचे अपने बार्न हाउस पे। बार्न हाउस पे चलने से पहले गाइज मैंने थोड़ा सा एरिया को अपने डेकोरेट कर रखा है ओक लीव्स से थोड़ा, यानी कि एक अच्छा सा लुक आए दिखने में बढ़िया दिखे। तो गाइज चल देते सीधा अपने बार्न हाउस पे जहाँ पे हमारे प्यारे से डॉगीज रहते हैं, यानी बिठा रखे है मैंने उनको। अभी के लिए इस वाले गेट को बंद कर देते, और गेट बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये दो डॉगीज यहाँ पे बैठे, हेलो क्यूटीज, और एक यहाँ पे बैठा है गाइज। तो ये ऐसे इसने तो बैरल में अपना सर ऊंचा रखा है, तो देखो गाइज ये कितना बेकार लग रहा है। तो मैंने क्या सोचा है गाइज कि इनके लिए एक बढ़िया सा हम डॉग हाउस बना लेंगे, ताकि वो भी आराम से रह सके। तो कुछ एरिया मैंने फाइनल नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे को कि यहीं पे कहीं पे इनको बना देना चाहिए। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, जो मटेरियल्स है जो बिल्ड को हमारे काम को आएंगे उनको इकट्ठा कर लेता हूँ गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज। तो सामान इकट्ठा करते करते रात हो गई थी, तो मैं चलाया अपने ट्री हाउस पे सोने के लिए। अब सीधा चल देते हैं नीचे। वैसे गाइज एक मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कितना प्यारा लगता है अपना ये ट्री हाउस। हर एक चीज चारों बाजू से हम देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है अपना ये सर्वाइवल सीरीज का वर्ल्ड। तो चल देते गाइज नीचे अपने बिल्ड की ओर, जो कि होगा डॉग हाउस का, अगर यहाँ से निकल पाया तो। मैं ओके निकल चुका हूँ ये अभी को। तो गाइज थोड़ी सी मेहनत लगी मेरे को, नेदर में फिर जाना पड़ा क्योंकि मुझे क्वार्ट्ज के ब्लॉक की जरूरत थी। क्वार्ट्ज यहाँ से ही क्वार्ट्ज के ब्लॉक की जरूरत थी, और एक बिल्ली घूम रही थी यार बड़े देर से। ओके नहीं अभी, तो चल देते सीधा बिल्ड की तरफ गाइज। तो ऐसा कुछ एरिया मैंने डिसाइड कर रखा है कि 9x9 का होगा, 9x7 का एरिया है गाइज। यहाँ पे मैंने एक चेस्ट बना रखी है। तो ये नीचे वाला जो एरिया होगा, यानी ये जो सामान है गाइज ये हमको जरूरी है आज के बिल्ड के लिए, अभी के बिल्ड के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टोन ब्रिक्स को कलेक्ट कर लेते हैं, और उसी के साथ में थोड़े से ट्रैप डोर, बर्ज के फेंस एंड सम स्लैब्स भी ले लेते हैं, और ब्रिक स्टेयर्स। ठीक है ये कॉम्बिनेशन रहेंगे शायद से बढ़िया देखेगा ये इसी में। तो यहाँ पे हमको दो की ब्लॉक पे चलना होगा, 1 2 2 हो जाए ओके, एंड हियर भी वैसे ही सेम 1 एंड 2। गाइज थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, और 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे एक स्टेयर, यहाँ पे एक स्टेयर, अगेन अंदर की बाजू से यहाँ पे एक स्टेयर, यहाँ पे एक स्टेयर। तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, चारों बाजू से एक्चुअली स्टेयर्स लगाने होंगे हमको। हियर वी गो, यहाँ पे भी एक एक लग जाएंगे स्टेयर्स, 1 एंड 2। हो भाई इतना तो कर लिया हमने, अब फेंस ले लेते हैं, और एक एक फेंस को इसी के ऊपर प्लेस कर देते, 1 एंड 2। फेंसेस को कनेक्ट करने के बाद गाइज मैंने उसके ऊपर एक एक ट्रैप डोर लगा दिया है। अब बारी आती है गाइज हमको ये वॉल फिलअप करना होगा, तो मैंने थोड़े से और स्टेयर्स को लेके आया, तो ऐसे ही प्लेस करना होगा उन्हें, ये भी गो, और इस साइड को भी सेम करना है गाइज।
1 2 यानी दो दो की हाइट को हमको चारों बाजू से पढ़ना होगा, और ये इतने में ही मैं मार खाए क्या ही बोलूंगा। ओके चलो गाइस 2 एंड 3 यस, तो एक साइड बच रही है अभी। और इतने में डैमेज कैसे गिर रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके हियर वी गो, फॉल डैमेज इतने में नहीं आना चाहिए एक्चुअली। 1 2 ओके, तो ये चारों बाजू हमने कर लिया। अभी इसके बीच में हमको सिर्फ ये यानी कि ब्रिक्स लगाने होंगे स्टोन के, ताकि ये कवर हो जाए। 1 2 यस, ऐसे से कुछ लगेगा ये। तो गाइस आप मैं खत्म ही कर देता हूँ बिल्ड को, वरना आप लोग बोर हो जाओगे देख के। तो ये पूरा बिल्ड खत्म करता हूँ, एंड के पार्ट पे आपसे मिलता हूँ। घर में जाना है आपको नए वाले घर में। तो गाइस ये बन चुका है अपना डॉग हाउस, लेकिन ये गाइस ये कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है ना। अंदर से तो ठीक हो गया, लेकिन गाइस आप एक मेन पार्ट पे चलते हैं हम, जो कि होगा ऊपर के हमको जो बिल्ड करना है उसकी ओर। तो हियर वी गो गाइस, यहाँ पे हमको 2 स्लैब्स इसके क्या कहते हैं यार, क्वार्ट्ज के रखने होंगे। हियर वी गो। अब यहाँ पे थोड़ा सा यार ये इंटरेस्टिंग पार्ट होना चाहिए ना डॉग हाउस का। तो यहाँ पे एक प्लेस ये गलत हो गया, ऐसा नहीं लगाना था। इसको एक बार तोड़ देते हैं, थोड़ा सा पीछे खिसक के कोशिश करता हूँ मैं एक बार के लिए। हियर वी गो, इसी तरह की मैं सोच रहा था। और यहाँ से भी थोड़ा सा पीछे को हटके, यस हियर वी गो। अब ये जो बीच वाले हमने जो स्लैब्स लगाए थे इनको तोड़ना होगा। क्या ही करे जा रहा हो, आपको लग रहा होगा कि रूम ही पागल हो चुका है, क्या करे जा रहा है। तो अब यहाँ पे है ना नीचे गाइस, यहाँ पे एक यानी स्लैब लगाना होगा क्वार्ट्ज का, अगेन यहाँ पे एक। तो ये बिल्कुल ही आसानी से 1 2 3 एंड 4। तो गाइस अभी नीचे चल के देखते हैं हम, शवल है क्या मेरे पास, इसको साथ ही में हटा देते क्योंकि अभी ऊपर आने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये देखो इसको भी तोड़ देते। तो गाइस ये टूटा नहीं है। तो गाइज अब ये टूट चुका है, यानी डर्ट ब्लॉक भी टूट चुका है। अब देखेंगे गाइज ये कैसा लग रहा है, देखेंगे गाइज कितना बढ़िया लग रहा है अब ये। तो ये है अपना डॉग हाउस, अब इनको अंदर ले चलते। देखो गाइज कितने बढ़िया दिख रही है हड्डी भी, तो चलते थे इनको अंदर लेके। बोबो मत करो, चलो आ जाओ। 1 2 अब इनकी सेना इतनी बड़ी बनाऊंगा ना मैं, खड़े हो जाओ भाई, चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो टेलीपोर्ट हो गए, तीनों आ गए क्या, एक कहाँ चला गया। ओके ओके आ चुके तीनों के तीनों आ चुके। तो आप बैठ जाइए भाई साहब यहाँ पे आराम से। अरे यार ये नहीं प्लेस करना था। ओके ओके चलो। हेलो, एक तो बाहर चला गया यार, ये क्या बात होगी यार। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं अंदर 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 आ जाओ अंदर आ जाओ। ओके ओके ओके, तो गाइस इनको मैं सेटल कर देता हूँ, और अगले वाली वीडियो में आपको दिखेगा कि इनके अंदर बिठा दूंगा मैं। तो यही था आज वाला वीडियो, होप सो आपको पसंद आया। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।